वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग रिव्यू ऑफ बसेस। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ डाइवो की वर्कशॉप में। आज हम आपको डाइवो की एक बस का रिव्यू देंगे जो कि मेरे पीछे खड़ी हुई है। ये बस नोवा बस है यूडॉन्ग मास्टर की। तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आप डाइवो बसेस की वीडियोस बनाते हैं। नोवा का तो हमने वैसे भी रिव्यू किया है, लेकिन डाइवो की बसेस की अलग ही बात होती है। इनकी कलर स्कीम, इनकी लिवरेज, ये अलग ही एक लुक देती हैं। तो डाइवो की ये नई नोवा बिजनेस क्लास वेरियंट में बस आई है। इकॉनमी क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास पहले चल रही थी, लेकिन ये स्पेशल वेरिएंट है। तो आज आपको इसका रिव्यू दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने इस पर ट्रैवल करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या रूट है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बस है। तो आए इसका रिव्यू कराते हैं आपको। ये है डाइवो की नई बिजनेस क्लास नोवा बस, जिसकी खास बात क्या है, इसका ये बिजनेस क्लास वाला पोर्शन। और उसके अंदर भी पाकिस्तान में जो बिजनेस क्लास पोर्शन में चल रही है काफ़ी बसें चल रही हैं। ये उन सब में से जो एग्जीक्यूटिव क्लास कैबन है उसमें से सबसे नंबर वन पे, मतलब अगर मेरा अगर रिव्यू देखें तो, मतलब जितने भी मतलब इस तरह की सीटें हैं ये उन सब में नंबर वन पे है। वो इसलिए कि सीट बड़ी बहुत है, विड्थ काफ़ी है इसकी, और मोस्ट सॉफ्ट सीट है। ये आप देख सकते हैं बहुत नरम सीट है। यहाँ पर बंदे की अलाइनमेंट जो होती है वो बहुत मज़ेदार होती है। और यहाँ पर एक और मतलब जो मेन फीचर है, यहाँ पर भी आम रेस्ट है, यहाँ पर भी आम रेस्ट है और वहाँ पर भी है। जो ये वाला है, मतलब ये तीनों वुडन है और ये वाला दरमियान वाला काफ़ी बड़ा है। इसके नीचे भी मतलब काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो यहाँ पर इसकी ये जो फीचर्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैनुअली कंट्रोलेबल लेग रेस्ट है, फुट रेस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन मैं अभी फ्रंट सीट पर हूँ तो फ्रंट सीट पे वो अवेलेबल नहीं होता, वो पिछली सीट पर। अभी आपको सीट को रिक्लाइन करके दिखाता हूँ। काफ़ी हद तक रिक्लाइन हो जाती है। और इस बिजनेस क्लास वाले कैबिन की खास बात ये होती है कि पीछे वाले बंदे को भी मसला नहीं आ रहा होता। उसके अलावा फुट रेस्ट भी है और यहाँ पर गाड़ियों की तरह का मतलब इसमें वो आपको अपना वो जिसको बास्केट होती है बाकी बसों में वो मिली है। इस पर भी टैबलेट्स वगैरह नहीं लगे हुए, वो मे बी फ्यूचर में इंस्टॉल करें। और यहाँ पे इसकी सीट बेल्ट ली गई हैं जो कि यहाँ आपको लाजमी पता आजकल पाकिस्तान में बाननी चाहिए।
नोवा बस में ये वाला जो कॉम्बिनेशन है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगे। फ्रंट पे मतलब बिजनेस क्लास बहुत अच्छी है और बैक पे एग्जीक्यूटिव क्लास बहुत अच्छी है। जो पहले से पहले आ रही थी, जो आपको एक चीज़ बताता जिन्होंने जो पहले आ रही थी उसमें ये इशू था कि फ्रंट तो अच्छी थी लेकिन बैक पे उस तरह से मज़ा नहीं आता था यूटर्न की बसेस में, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। ये नोवा का जो नया वेरियंट आया इसमें सीट्स का इशू सॉल्व हो गया है, और यहाँ पे जो यूटर्न की पिछली बस में इशू था कि लेग स्पेस कम थी वो इशू भी ठीक हो चुका है, और सीटें नरम भी हैं तो सीटों के हवाले से पूरे नंबर हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ से व्यू, बाकी बस एक मिलती जुलती रेड और ब्लैक कलर की सीट्स में आ रही है। ये अगर थोड़ा सा मतलब यूटर्न कंपनी वाले थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर लें, कलर्स मज़ीद अगर लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये काफ़ी मतलब कॉमन चीज़ हो चुकी है। तो ये चलती है रूट के बारे में, अगर हम बात करें रूट क्या है तो लाहौर से कराची का रूट है इसका बिज़नेस क्लास की कैटेगरी में। इससे पहले बिज़नेस क्लास की कैटेगरी में इनकी डाइवोक की BH120 थी, उसके अंदर भी 2x1 वाला सिस्टम था, लेकिन अब ये जो मतलब लेके आई गई है ये बेस्ट ऑप्शन है। डाइवो अपने बसेस को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहा है, और स्पेशली कराची जो बड़ा रूट है उस पर ऐसा स्लीपर बसेस पर चल रही हैं, तो डाइवो इज़ गोइंग वेल नाउ।